एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा ने उनसे खास बातचीत की और रुख करेंगे खबर की ओर, जहां ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और उससे पहले आपको खबर बता रहे हैं टिहरी से, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी मुठभेड़ में आपको बता दें सूबेदार अजय रौतेला को मिसिंग बताया जा रहा है और परिजनों को सैनिकों ने फोन पर यह सूचना दी है। टिहरी से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां अभी सेना ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। टिहरी के रामपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां 17वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात था यह सूबेदार। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबर आपको दिखा रहे हैं टिहरी से, जहां सूबेदार का फोन रिसीव नहीं हो रहा है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी मुठभेड़ का यह पूरा मामला है और सूबेदार अजय रौतेला भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। परिजनों को सैनिकों ने यह फोन पर सूचना दी है, जिसके बाद परिजनों का हाल बेहाल है। अभी सेना ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है इस बात की। टिहरी के रामपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां सूबेदार अजय रौतेला को मिसिंग बताया जा रहा है। 17वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे सूबेदार अजय रौतेला। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आपको बता दें सूबेदार का फोन रिसीव नहीं हो रहा है। टिहरी से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी मुठभेड़ का पूरा मामला है और इसके बाद से सूबेदार अजय रौतेला को भी मिसिंग बताया जा रहा है। परिजनों को सैनिकों ने फोन पर यह सूचना दी है, जिसके बाद से परिजनों का हाल बेहाल है और अभी सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। खबर आपको टिहरी से दिखा रहे हैं, टिहरी के रामपुर गांव का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सूर्या टिहरी से जुड़ चुके हैं। सूर्या, क्या कुछ ये पूरा मामला था, मिसिंग बताया जा रहा है सूबेदार अजय रौतेला को और उनके फोन नहीं रिसीव हो रहे हैं। सूर्या, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सूबेदार अजय रौतेला को मिसिंग बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी मुठभेड़ का यह पूरा मामला है और सूबेदार अजय रौतेला को भी मिसिंग बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सूर्या जुड़ चुके हैं टिहरी से। सूर्या, क्या कुछ ये पूरा मामला था, अब अजय रौतेला को मिसिंग बताया जा रहा है मुठभेड़ के बाद, उनके फोन नहीं रिसीव हो रहे हैं, परिजनों का क्या कहना है? खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां परिजनों को सैनिकों से सूचना मिली है, हालांकि सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और सीधे लेकर चलेंगे आपको